Good morning, everyone. Welcome to Director School Education Jammu audio classes. Today, I'll be taking chapter number 9, Soil of Class 7th, Science. Okay, now before starting this chapter, this topic, we will be discussing a little bit about natural resources, right? नाउ natural आर नेचुरल resources नेचुरल natural resources the things, are अदर resources which वी गेट फ्रॉम आवर नेचर राइट फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है देखो अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रो, रोल प्ले करते हैं जैसे कि पानी हवा सॉयल ये सब बहुत हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और वो अर्थ पे हमारे लिए अवेलेबल है है ना और वो हमें नेचर जो है वो हमें देती है विदाउट चार्जिंग एनी मनी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कोई उसके पैसे नहीं देने पड़ते लेकिन हम उनका इतना मिस कर रहे हैं नेचर के रिसोर्सेस का कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है ना पल्यूशन क्रिएट हो रहा है हम उसका मिस यूज़ करते हैं एक्सेसिव यूज़ करते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती उसकी वेस्टेज करते हैं तो वो सब रिसोर्सिस का हम वेस्टेज कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमें नेचर जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें पानी की हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवेंटी परसेंट ऑफ वाटर ओके and a ह्यूमन बॉडी नीड्स वाटर विच इज वेरी important फॉर इट्स लाइवलीहुड फॉर इट्स लिविंग सो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें हम खाने के बिना फिर भी रह सकते हैं कुछ दिन लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और हम अगर हम ज्यादा देर पानी के बिना रहें तो हमारी डेथ तक हो सकती है तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी और अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी रूटीन भी देखें तो सिर्फ हमारी बॉडी uh, के लिए नहीं बल्कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम पानी का यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर टेकिंग बाथ फॉर वॉशिंग क्लोथ्स फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स इन इन बाथिंग फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एवरी थिंग राइट फॉर कुकिंग फूड बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है तो आप खुद सोचो अगर सुबह से लेके हम शाम तक हम इसको नोट डाउन भी करें कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं हमारी लाइफ पानी के बिना बहुत ख, ग, ग, खराब है मतलब उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं एक तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी ऊपर से हमारी जो हम डिपेंडेंट हैं उस पर बहुत सारी चीज़ों के लिए वो सब काम नहीं होगा सब जगह गंदगी फैल जाएगी अगर पानी नहीं होगा और आप देखो वैसे भी इतने इस वक्त इन्फेक्शन चल रही है वायरस बैक्टीरिया और बहुत सारी जो है जैसे अभी कोरोना वायरस की एग्जाम्पल है चल रही है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है बींग अ वेल एजुकेटेड साइंस स्टूडेंट हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं नेचुरल रिसोर्स उनका हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना है जडिशस यूज़ करना है ताकि वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए भी बचे रहे है ना अगर हम उनको वेस्ट करेंगे जब हमें ज़रूरत नहीं है हमें यूज़ करने के लिए तो मिल रहा है बट हम उसको वेस्ट करते हैं हमें उसको वेस्ट उनको वेस्ट नहीं करना है हमें उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जितनी हमें ज़रूरत है जैसे हम पानी जो एक्स्ट्रा यूज है एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं हमारी ऊपर टैंकी होती है पानी की अगर हमने नीचे से मोटर लगाई वो भरती जाती है गिरती जाती है हम पानी हमें ध्यान नहीं रहता हम ब्रश कर रहे हैं हमारा टैप खुला है हम नहा रहे हैं हमारी बाल्टी से पानी गिरता जा रहा है हमें ऐसा ही ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नैचुरल रिसोर्सेज वैसे ही बहुत सारे रिसोर्स है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम जो अब इस चैप्टर में रिसोर्स पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नैचुरल रिसोर्स वाई इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज इट सपोर्ट लाइफ हाउ इन नंबर वन It supports life of various plants, which means many plants grow on soil. Right? In fact, all the plants grow on soil. Right? And it also supports the growth of many microorganisms, many insects. Many organisms they live in soil. Right? So it supports the growth of plants as well as many animals, insects, microorganisms, and indirectly.

डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट्स है वो ग्रो तो सॉयल पर ही हो रहे हैं ना तो सॉइल इतना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे है ना अब हमारे जो क्लोथिंग है वो भी इस पर डिपेंड है प्लांट्स पे कॉटन क्लोथ्स कॉटन प्लांट्स ग्रो करते हैं हमारी चाय शुगर केन एवरी थिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फर्नीचर के लिए जो लकड़ी चाहिए वो सब प्लांट्स से मिलता है एंड प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं सॉइल सॉइल से उनको क्या मिलता है उनका पानी एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय ठीक है पानी हम प्लांट को जब देते हैं हम सॉइल में देते हैं ना क्यों क्योंकि सोइल में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पानी को होल्ड करके रखता है और प्लांट्स के रूट्स को भी होल्ड करके रखता है टाइटली ताकि जो उसके रूट्स हैं वो उसमें रहें और उसके जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के उससे पानी लेके और सॉइल में जो इम्पोर्टेंट सॉयल में सिर्फ पानी नहीं हम सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो भी उससे खींचते हैं और वो प्लांट्स को मिलते हैं तो सारे प्लांट्स जो है अपनी ग्रोथ के लिए किस पे डिपेंडेंट है सॉयल पे सॉयल से वो पानी एज वेल एज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉयल दे एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉयल एंड दे यूज देम फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है प्लांट की तभी ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे हमें खाना चाहिए होता है ना हम खाना खाते हैं और हमारी ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है दो दिन नहीं खाए हम कमजोर हो जाते हैं वैसे प्लांट्स को भी उनका खाना क्या है उनके वाइटमिन न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से मिलते हैं उनको सॉयल से ठीक है, सनरेस से वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है पानी से जो कि हम सॉइल में देते हैं तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे के बारे में, ओके? मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वाई बिकॉज इट सपोर्ट्स of plants, एनिमल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राइट एंड इट प्रोवाइड्स मैनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय टू plants, राइट right? एंड It also provides us food, clothing, and shelter. How? Because agriculture is dependent on also soil. Okay. Now, what happens is we have to see. कि हम जो है नेचुरल रिसोर्स जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल की जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में हमने उसको ऐसे यूज करना है कि वो वो ज्यादा पॉल्यूशन ना हो हम उस पे ना क्रिएट करें पॉल्यूशन कैसे हम, हम सारा गंद बाहर फेंक देते हैं पॉलिथीन्स का यूज ज्यादा करते हैं तो पॉलिथीन्स क्या करते हैं वो जाके जो है सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉपरली जो है उनको वो नहीं मिलते क्या नहीं मिलते न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो सॉइल में ऑलरेडी पॉलीथिन तो वो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती तो इसलिए क्या होता है कि प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाते तो आपके चैप्टर में एक छोटी सी एक्टिविटी अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स की सॉइल्स के टाइप्स हम बाद में करेंगे बट हम एक्सिंपल जो हमें देखने से पता चलता है कि सॉइल की कितनी मतलब कैसे डिफरेंट है जैसे हम सॉइल ले, ले लेंगे कहाँ से अगर हम लेंगे अपने गार्डन से सबके घर में गार्डन है बाहर हम उससे थोड़ी सी मिट्टी लाएंगे अंदर ठीक है उसको देखेंगे अब देखो कि उसमें थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पौधे घास होगी छोटी छोटी चींटिया होंगी छोटे छोटे मकोड़ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे आप देखोगे उसमें ठीक है एक कुछ मटेरियल आप सॉइल का सैंपल बना लो सैंपल ये हो गया जो हमने गार्डन से सॉइल लाया सैंपल टू हो गया सॉयल लाया हमने किसी सड़क के पास जो सॉइल ग्रो करा है आप उसमें फर्क देखोगे उसमें आप देखोगे थोड़े कंकर ज्यादा है, है ना थोड़े से कंकर ज्यादा है फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें ज्यादा घास नहीं है सूखा सूखा है ठीक है वैसे ही आप एक सैंपल लाओगे सॉइल का जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है जहां पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे आप देखोगे और डिफरेंस है यहाँ पे ठीक है अलग सा सॉइल मिलेगा आपको जिसमें क्या होगा अलग कॉन्सीचुंस होंगे उसमें आपको इंसेक्ट्स नहीं दिखेंगे उसमें आपको और मोटे मोटे कंकर दिखेंगे उसमें प्लांट्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे तो ये क्या है कि आप देखोगे कि कॉन्सीचुंस जो हैं वो डिफरेंट है अलग अलग जगह जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट है अगर आपने कोई पॉट्स लगाए हैं घर में जिसमें प्लांट्स हो गए उसमें अलग टाइप की मिट्टी होगी चिकनी होगी थोड़ी सी कहीं पे चिकनी सी मिट्टी होती है जिसको हम क्ले भी बोलते हैं कहीं पे सैंडी सी होती है जिसमें हम थोड़ा सा जो रेत मिली होती है थोड़ी सी एक होती है जो बिल्कुल परफेक्ट होती है जिसमें ना ज्यादा चिकनाहट होती है ना ज्यादा हार्ड होती है तो वो अलग अलग टाइप के सॉयल्स होते हैं ठीक है थीके? तो हमने क्या करना है हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉइल्स तो करेंगे लेकिन हमने क्या करना है एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमने कोई भी पॉलिथिन बैग्स कोई भी पौल, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स ये हमें जो है में नहीं फेंकनी ठीक है क्योंकि उसके अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं वो भी क्या हो रहा है उनको वो भी मर जाते हैं क्योंकि उनको ठीक तरह से उधर से वो उनको जैसे वो रहने के लिए हैबिटेट नहीं मिल पाता उनको सही तरीके से खाना एयर नहीं मिल पाती तो वो उसकी वजह से खराब हो रहे ठीक है और हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए इंसेक्टिसाइड्स हो गए हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो हमें उनका थोड़ा सा यूज़ जो है वो कम करना है मो ना ये तो है ही है कि उस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम ये जान के हम खुद डालते हैं फार्मर्स डालते हैं दवाइयाँ डालते हैं ताकि कीड़ा ना लग जाए बट उनका एक्सेसिव ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे क्या होता है कि सॉयल भी खराब होता है ठीक है तो हमें उसक, उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने एक्सेसिव यूज़ जो है वो किसी का नहीं करना ठीक है हमने वेस्ट मटेरियल नहीं डालना उसमें कोई भी अपनी घर का जो गंध है वो हमने नहीं फेंकना है ठीक है तो हमें ऐसे उसका ख्याल करना है ठीक है अब सबसे पहले मैं आपको पहले छोटा सा बताऊंगी कि सॉइल बनता कैसे है ठीक है बनता कैसे ये आपने इसकी सॉयल बनने का एक प्रोसेस होता है आ, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सोइल बहुत प्रेजेंट है तो खुद ब खुद ऐसे ही बन गया सोइल की मिट्टी पड़ी है ऐसे नहीं बनता है उसका अभी एक बहुत लंबा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग ठीक है क्या बोलते हैं वेदरिंग ना व्हाट इज वेदरिंग वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है जो रॉक्स होते हैं बड़े-बड़े रॉक्स उनका जो है वो उस पे कौन काम करता है पानी हवा और क्लाइमेट का क्या हिसाब है उससे क्या होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग किस टाइप से कैसे कहां का प्रेजेंट प्रेजेंट है कहां वो है वो रॉक और वहां की क्लाइमेट कैसी है और वहां हवाएं कैसी हैं और वहां पानी किस हिसाब का है उस हिसाब का जो है फिर अलग अलग टाइप का सॉइल बनता है ठीक है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग और ये कोई एक दो दिन में नहीं इसको सालों लगते हैं बनने में ठीक है कंटिन्यूसली वाटर वेंड और क्लाइमेट जो है रॉक्स पे एक्ट करती जाती है करती जाती है और वो सॉयल वो रॉक्स टूट टूट के टूट टूट के उस पर जब एक्ट होती जाती है पानी भी पड़ रहा है उस पर सॉयल भी सॉरी uh, विंड भी एक्ट कर रही है क्लाइमेट भी एक्ट कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि सॉयल बनता है अलग अलग टाइप और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वेदरिंग और नेचर ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के रॉक से बना है ठीक है मींस द नेचर ऑफ एनी सॉयल डिपेंड्स अपॉन रॉक फ्रॉम विच इट है टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट ठीक है जिस के? क्या प्रोसेस है वेदरिंग वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वॉटर एंड क्लाइमेट एंड इट दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज वेदरिंग ओके नाउ वैन वी टॉक अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आप क्या करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी है ठीक है जिसको बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल सॉइल प्रोफाइल क्या हो गया कि हमने लेयर्स देखनी है सॉइल की क्या देखनी है कि क्या लेयर्स होती हैं सॉइल की मतलब हम उसको बोल सकते हैं सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉयल कि कितनी लेयर्स हैं सॉइल प्रोफाइल है क्या मतलब अगर हम उसको हम उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं मतलब डिफरेंट लेयर्स हम उसकी कैसे देख सकते हैं सिंपल सा हम अगर एक टम्बलर एक ग्लास लेंगे जिसमें हम पानी में सॉइल को ऐड करेंगे। करेंगे हम हम ले लेते हैं, ठीक है? उसको अच्छे से dissolve करेंगे और थोड़ी देर के लिए लिए उसको खड़े रहने देंगे। थोड़ी देर के लिए जब हमने mix कर दिया soil, उस बाद हम देखेंगे टॉप पे आप क्या देखोगे हल्का हल्का छोटे छोटे जो हल्के हल्के पौधे थे वो ऊपर वाली लेयर में हलका, हलका. जो हार्ड पार्टिकल्स हैं जैसे कि वो हो गई बड़े बड़े अगर पत्थर हैं उसमें सॉयल में वो नीचे बैठ गए हैं पानी में तो अलग अलग टाइप की लेयर्स दिख जाएंगी प्रॉपरली हमें लेयर्स सिर्फ डिजोल्व करने से नहीं दिखेंगी लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें थोड़ा सा फर्क लगेगा यहाँ डार्क पोर्शन है यहाँ लाइट पोर्शन है और ऊपर ऐसा पोर्शन है हमें यहाँ हम करके देखेंगे जब हमारी स्कूल लगेंगे या आप घर में भी अभी करके देख सकते हैं तो बहुत सारी लेयर्स के बारे में आप इसमें देखेंगे कि लेयर्स बन जाती हैं डिफरेंट्स डिफरेंट लेयर्स बन जाती है किसकी सॉयल की ठीक है तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं कि आप हैंडफुल ऑफ सॉयल ले और उसको हम पानी में डिजोल्व करके रखें और उस आ, आ, ग्लास को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो तो फिर हम उसमें थोड़ी सी लेयर्स देख सकते हैं अब क्या होता है जब हम देखेंगे लेयर्स के बारे में तो हम उस वो जो पूरी वर्टिकल सेक्शन होती है ना जो लेयर्स बनाती है इसको हम बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल सॉयल प्रोफाइल किसको बोलते हैं ये जो लेयर्स बनी है सॉइल की ठीक है और हर एक लेयर का एक अपना टेक्सचर होता है एक अपनी डेप्थ होती है और एक अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो क्या मतलब हुआ कि कलर आप देखोगे कलर में भी डिफरेंस होगा कहीं पे डार्क आपको पानी दिखेगा कहीं पे थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन दिखेगा कहीं पे बिल्कुल लाइट ऊपर ऊपर बिल्कुल लाइट ब्राउन दिखेगा और ऊपर ऊपर प्लांट्स फ्लोट करते हुए दिखेंगे नीचे पत्थर बैठे हुए दिखेंगे तो ये अलग अलग टाइप का कलर भी दिखेगा आपको डेप्थ भी और केमिकल कंपोजिशन इसको हम जो ये लेयर्स बनती हैं सॉइल की इसको हम बोलते हैं होराइजन ठीक है ये लेयर्स को क्या बोलते हैं हराइजन और डिफरेंट लेयर्स जो बन के आती हैं उसको हम बोलते हैं सॉयल जो हम देखते हैं कि जो बहुत सारी लेयर्स बनी है उसको हम बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल ठीक है अगर हम ग्लास में देखेंगे ना तो हमें टॉप पे दिखेगी ह्यूमस ह्यूमस में क्या होता है ये बहुत अच्छा ये इसमें क्या होता है इसमें हल्के हल्के प्लांट्स और हल्का हल्का जो ऊपर का ब्राउन टेक्सचर जो होता है वो सॉइल का वो दिखेगा फिर उसके बाद आपको दिखेगा लाइट सा कलर पानी का नीचे नीचे थोड़ी सी क्ले दिखेगी थोड़ा डार्क ब्राउन नीचे नीचे उससे थोड़ी स... सैंड uh, दिखेगी और सबसे नीचे क्या होंगे जो कि पत्थर मोटी चीजें जो कि भारी चीजें पानी में प्रेजेंट थी कंकर बहुत मोटे मोटे वो आपको नीचे दिखेंगे ठीक है तो इसे हम देख सकते हैं ये ये तो एक सिंपल सा कि हम एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि सॉयल के कितने लेयर्स हैं ठीक है अगर हम बात करेंगे सॉयल इन द इन द नेचर नेचर की बात करेंगे तो नेचर में सॉइल कैसे प्रेजेंट होता है उसमें कौन कौन सी पार्ट्स होते, है? होते, है. होते हैं हराइजन्स होते हैं अलग अलग लेयर्स लेयर्स को हम हराइजन्स भी बोलते हैं सॉयल की वो कैसे होते हैं तो उसमें क्या होता है मैंने आपको बोला सॉइल कैसे बनता है रॉक्स से उस पर कंटिन्यूसली वाटर विंड और क्लाइमेट का चेंज होते होते हैं वहाँ से रॉक्स और किस टाइप के प्लांट्स उस पर ग्रो कर रहे हैं उस टाइप से टाइप का सॉयल बनता है ठीक है तो वैन वी सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर्स. इफ़ यू लुक एट द साइज रिसेंटली जैसे हम कोई डिग करते हैं किसी जगह को तो हम देखेंगे हम सॉइल प्रोफाइल अगर हम देखेंगे जो अपर मोस्ट हराइजन होता है जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो जनरली डार्क इन कलर एंड इट इज रिच इन ह्यूमस ह्यूमस जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है ना हम तभी जो प्लांट्स है थोड़ा सा और बहुत अच्छा कंटेंट होता है प्लांट के से वो अच्छे से न्यूट्रिय ऊपर सब बहुत ज्यादा होते हैं और उधर से लेके वो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ऊपर दपर मोस्ट हराइजन को हम जनरली क्या बोलते हैं जो कि रिच होती है ह्यूमस और मिनरल्स जो होते हैं वो रिच होते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा होते हैं वॉट हैपन्स इज द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल बहुत फर्टाइल होता है वहाँ फर्टाइल तभी तो हम अपने सारे प्लांट्स जो है टॉप मोस्ट लेयर में लगाते हैं हराइजन ए टॉप मोस्ट कौन सी होगी हराइजन ए आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप डायग्राम भी देखेंगे उसमें डायग्राम भी है जिसमें पूरा सॉइल प्रोफाइल दिखाया हुआ है ठीक है जिसमें आप देखेंगे कि जो टॉप हराइजन है मीन्स हराइजन ए इट कंसिस्ट ऑफ

पोरस पोरस मतलब बीच बीच में थोड़े पोर्स होते हैं और पानी को रिटेन कर सकते हैं ये नहीं कि हम इसमें पानी डालते हैं तो दिखता ही नहीं वो नीचे ही चल जाता है नहीं या फिर वो ऊपर ही तैरता रहता है नहीं वो एब्जॉर्ब हो जाता है पोरस उसमें पोर्स होते हैं ताकि वो पानी अपने में एब्जॉर्ब हो जाए और वो पानी सॉयल में अपने रहता है ताकि उसकी रूट्स जो है उससे खींच के अपने प्लांट को पानी दे सके ठीक है और जो टॉप मोस्ट लेयर जो कि हराइजन ए है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस ज्यादा है वो एक शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जैसे कि छोटे छोटे कीड़े छोटे छोटे बीटल्स मोल्स रोडेंट्स ये सारे बहुत सारे ये वाले कीड़े आप थोड़ा सा भी खोदोगे आपको दिखेंगे आप खुद आप स्कूल जाते हो या घर में आप थोड़ा सा भी देखोगे जहाँ पे पौधे लगे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ी आप अगर इसकी डिगिंग करोगे आपको दिखेंगे ये कोई अर्थ फॉर्म निकला अर्थ फॉर्म निकला आएगा कोई छोटा सा कीड़ा निकला आएगा कोई मकोड़ा निकल आएगा तो ये सब जो है आप देखो देख पाओगे

ज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस इसमें ह्यूमस तो ज्यादा नहीं होती लेकिन मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं ओके दिस लेयर इज जनरली हार्डर बट थोड़ी सी हार्ड होती है क्यों क्योंकि ये कंपैक्ट होती है कंपैक्ट में टाइटली पैक्ट होती है ठीक है और उससे एज कंपेयर टू द टॉप लेयर ठीक है और इसमें क्या होता है इसमें मोर कंपैक्ट और इसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं लेकिन ह्यूमस थोड़ी कम होती है देखे तो उसको हम बोलते हैं थर्ड लेयर और विच इज दराइजन सी और सी हराइजन थर्ड लेर को हम क्या बोलते हैं सी पहली वाली को हम बोलते हैं ए हराइजन बी बी हराइजन इज द सेकंड सी हराइजन इज द

ठीक है ना जिस सौयल, जो सॉइल जिस टाइप के रॉक से बना है जिसकी वेदरिंग हुई है वहां पे उसके रॉक्स के पीसेज होते हैं तो मोस्टली जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो होते हैं हॉराइजन ए एंड एंडराइजन बी सो so, वट important in what is important in this is that horizon a and horizon b is important for the growth of plant and when we talk about the other layers that is c and d it is made up of small lumps of rocks and the last one is the bedrock which is, which compo which is composed of the rock from which the soil has been made right now now this was the soil profile okay now for this what we have to do is व टू अब्जर्व ये तो आप ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं लेकिन जो सॉइल प्रोफाइल जो एक सॉइल को डिग करके हमने करना है वो टेस्ट होता है लेबोरेटरी में जिससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या कंटेंट है लेकिन बेस्ड ऑन दिस जो है सॉइल की अलग अलग टाइप्स है ठीक है मैंने आपको बोला कि वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बनता है सॉइल ठीक है और उससे क्या पता चलता है कि उसमें कितनी अमाउंट की सैंड है कितनी अमाउंट की क्ले है उससे पता चलता है किस रॉक से वो बना है तो क्या होता है द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस दे फॉर्म द सॉयल एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द दॉयल सो क्लास दॉयल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरियस मटीरियल्स मतलब सैंड प्रेजेंट है उसके अंदर रॉक प्रेजेंट है कौन सी क्ले प्रेजेंट है उस हिसाब से उसमें क्या क्या प्रेजेंट है उस बेस पे जो है सॉयल जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है फॉर एग्जाम्पल अगर सॉइल में ज्यादातर बिग पार्टिकल्स है ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल जिसमें सैंड ज्यादा है ठीक है कुछ सॉयल ऐसा है जिसमें फाइन पार्टिकल्स है जैसे आप क्ले दे क्ले सॉइल होता है जैसे क्ले देखते हो कितनी सॉफ्ट होती है उसमें आपको हार्ड वो नहीं ना दिखते हैं हार्ड कोई पत्थर नहीं आता है हाथ में आप टच करने से भी फील करते हो तो वो होता है क्लेई सॉयल

पत्थर थोड़े से फील होते हैं पार्टिकल्स आपको फील कर सकते हो फिंगर्स में अगर आप लेके सॉयल लोगे तो आपको खुरदी खुर्दरा सा दिखेगा दूसरा क्या होता है जिसमें सॉफ्ट बड़े फाइन पार्टिकल्स का बना है सॉइल उसको हम बोलते हैं क्ले आजकल तो हमारे घरों में भी हम बच्चों के लिए क्ले लाते हैं ना जिससे हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं उसको हम किसी भी तरीके मोल्ड कर सकते हैं ठीक है तो उसको हम बोलते हैं क्ले सॉइल एक होता है लोमी सॉइल जिसमें ज्यादा दोनों की जिसमें थोड़ी थोड़ी सैंड भी होती है और क्ले भी होता है उसका मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं लोमी सॉयल तो बेस्ट सॉइल जो होता है ना वो होता है लोमी सॉइल क्योंकि ये बेस्ट ये टॉप मोस्ट लेयर में मोस्टली लोमी सॉयल ही होता है जिसमें सैंड भी होती है और क्ले भी होती है उस और बहुत सारे अच्छे प्लांट एनिम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसका मिक्सचर होता है तो सबसे बेस्ट सॉयल अगर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है प्लांट्स की वो होता है लोमी सॉयल ओके सो दैट इज द लोमी सॉइल सो वेन वी टॉक अबाउट सैंडी क्लीन एंड लोमी सॉयल लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉयल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स पार्टिकल्स इन सॉइल दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुस हाउ वाई बिकॉज सैंड पार्टिकल्स जो कि कुछ बड़े होते हैं वो क्या करते हैं दे कैनॉट फिट क्लोजली टुगेदर तो उनके बीच में क्या होती है स्पेस रह जाती है, है ना आप देखोगे अगर आप पत्थरों को एक दूसरे के साथ जोड़ोगे उनमें सारे अलग अलग शेप के होते हैं तो उनमें क्या रह जाती है स्पेस तो क्या हो जाता है उसमें एयर का प्रॉपर जगह रहती है जिसमें वो वेल एरेटेड होता है उसमें पानी भी फटाफट घुस जाता है अंदर और एयर भी क्या है? घुस जाती है है। क्या होता जो क्ले सॉइल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है उसमें क्योंकि पार्टिकल्स छोटे छोटे साइज के होते हैं टाइटली पैक होता है तो इसमें पानी अच्छे से एयर ज्यादा नहीं रुक सकती लेकिन पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है उस सॉयल में तभी वो इतना सॉफ्ट होता है और जब आप टच करो तो टच करने में भी बहुत सॉफ्ट होता है तो इनके जो है पानी जो है वो क्लेई सॉयल में अच्छे से पकड़ पकड़ सकता है लेकिन जो सैंडी सॉइल होता है उसमें पानी ज्यादा देर नहीं रह सकता ठीक है तो और वो थोड़ा क्ले जो होता है वो हैवी होता है क्योंकि उसमें पानी एब्जॉर्ब हो गया होता है लेकिन सैंडी सॉइल में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता वेयर इज वेन वी टॉक अबाउट दी लोमी सॉयल इट इज़ बेस्ट इट इज़ बिग वाइड बिकॉज इट इज़ बेस्ट बिकॉज इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले और, और किसी भी पार्टिकल के और उसमें एक और पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो होता है सिल्ट जो कि रिवर बेल्ट से आ होता है रिवर से पानी जो नदियों से जो ऊपर तक आता है और फिर नीचे जाता है उससे जो थोड़ा सा सैंड और क्ले का मिक्सचर आता है वो उसमें प्रेजेंट होता है तो आज हम जो है इस सेशन uh, में हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये जो है हमें uh, इसमें सॉइल प्रोफाइल में तो हमने की कि लेयर्स कैसे बनती है लेकिन साथ में टाइप्स भी पढ़ी लेकिन टाइप्स को हम और इलेबरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट सेशन में लूँगी सॉइल चैप्टर का इसमें हम इसका रिवीजन भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस हम अब मैंने कुछ पॉइंट्स तो बता दिए डिफरेंस के सैंडी क्ले और लोमी सॉइल में डिफरेंस क्या है लेकिन हम उनको फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कौन सा सॉइल बेस्ट है कैसे उसमें कौन से पार्टिकल्स क्योंकि मैंने आपको बोला कि सैंडी सॉइल नाम से ही आपने ध्यान रखना है सैंडी सॉइल है तो इसमें पार्टिकल जो है वो थोड़े बिग साइज के हैं तो बिग साइज़ के हैं तो इसका मतलब उसमें जगह वो ठीक से फिट नहीं हो पाते तो उसमें जगह ज्यादा रहती है तो वो उसमें एयर घुस जाती है ठीक है और उसमें पानी ज्यादा देर रिटेन नहीं रह सकता लेकिन क्लेई सॉयल में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि पानी अच्छे से टाइटली एब्जॉर्ब हो जाता है और एक सॉयल होता है लोमी सॉयल जिसमें दोनों टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं सॉइल और उसमें सिल्ट भी प्रेजेंट होती है जो कि डिपॉजिट होती है कहाँ पे रिवर बेड्स में तो ये सब जो है और इसमें जो लोमी सॉइल होता है इसमें कैपेसिटी होती है ह्यूमस को और वाटर को कम वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और अगर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी है तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट अगर हम इस सॉइल में लगाएंगे तो उसको तो पानी चाहिए होता है तो वो अच्छे से ग्रो करेगा तो ये जो है ये हम फिर से डिस्कस करेंगे लेकिन आज जो हमने मैं हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया सॉइल के कि वो एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्यों इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो आप सबको पता है और उसकी डिफरेंट अगर हम उसके प्रोफाइल उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में बा बात करें उसमें हम बात करते हैं हराइजन ए बी सी एंड बेड रॉक होता है लास्ट में जिस रॉक के वो वो बना है बनता कैसे है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग और बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सॉयल इट इज ऑफ थ्री टाइप्स सैंडी क्ले एंड लोमी ओके okay, तो ये हम डिफरेंस जो है वो आज भी हमने किया नेक्स्ट क्लास में हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको और हमें पता चलेगा कि कैसे देखो हम हर बार पढ़ते तो हैं कि जी हमने soil, हमने पौधा लगाया जी हमने पौधा लाया हमने में लगा दिया लेकिन आज आपने उसके बारे में पढ़ा है कि कैसे उसकी रूट्स कौन कौन सी लेयर्स होती है कहाँ कहां तक जा सकती है कहां कहां से पानी खींचती है किस किस टाइप का सॉइल अच्छा होता है तो हमने इसमें ये चीज डिस्कस की आगे जब आप ग्रो करोगे कोई प्लांट्स तो आपको पता चलेगा कौन सा आप बता सकते जी ये टाइप ऑफ सोइल अच्छा होता है हमें ऐसा चाहिए हमें ज्यादा दवाइयों का यूज नहीं करना हमें ज्यादा पानी नहीं देना हमें ज्यादा प्लास्टिक नहीं डालना हमें कोई गंद नहीं डालना है, ताकि जो है प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारा जो कि सोइल है वो हमारा लिए हमेशा के लिए हमारे लिए भी प्रेजेंट हो और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी प्रेजेंट हो तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सोइल प्रोफाइल and the different types of soil which we have done in this class and we will discuss the other other topics later other topics in the next session which i'll be taking in the next class i hope you will study well thank you and all the best good day